हनुमानगढ़ जिले के संगरिया कस्बा जो कि पंजाब हरियाणा की सीमा के समीप पड़ता है, वहाँ पर नशे चिट्टे का जो कारोबार ज़्यादा होने के कारण लोग परेशान हैं। इसीलिए संगरिया क्षेत्र का कस्बा आज बंद रहा। सभी लोगों के द्वारा यहाँ साथ भी दिया गया, बाज़ार बंद करवाया गया। वहीं दूसरी ओर लोगों के द्वारा यहाँ कहा गया है कि युवा चिट्टे के नशे के दलदल में फंस चुका है और हम सभी की जो ड्यूटी है कि मिलजुल कर हम प्रयास करें कि इसको नशे को रोका जाए। वहीं दूसरी ओर पुलिस की कार्रवाई पर भी यहां पर सवाल उन्होंने उठाए हैं और यही कहा है कि पुलिस के स्तर से जो नशा बेचने वाले सौदागर हैं उनके विरुद्ध जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वह नहीं हो रही है। इसीलिए यहां पर जो नशे का कारोबार ज़्यादा हो रहा है, जिससे लोग परेशान भी हैं और लोगों की यहाँ पर नशे के कारण मौत भी हो रही है और घर भी बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए वहाँ पर इस नशे को रोकना बहुत ही ज़रूरी है। इसी बीच भाजपा जिला उपाध्यक्ष गुलाब सेवर ने भी आज वहाँ पहुंचकर इस बंद के दौरान शिरकत की है और उन्होंने यही कहा है कि नशे ने कई लोगों के घर व ज़िंदगी को तबाह कर दिया है। नशा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते तो वे चोरी का रास्ता अपना लेते हैं। चिट्टे का सेवन भी इन दिनों खूब होने लगा है। नशा खुद एक बीमारी है, इसे भी दवा की ज़रूरत है। वहीं दूसरी ओर संगरिया कस्बे के लोग इकट्ठे हुए हैं और इस मुहिम को आगे भी चलाने की बातें हो रही हैं कि संगरिया जो कि पंजाब हरियाणा की सीमा के नज़दीक है वहां पर नशे का जो कारोबार है सौदागर यहां से ज़्यादा नशा को दूसरे राज्यों के अंदर सप्लाई भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदीप बेनीवाल का इस मौके पर क्या कहना है वह भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। 2 नवंबर संगरिया पूर्णतः बंद रहा। बंद का कारण एक दीपावली से पहले देवीलाल की हत्या कर दी गई थी और संगरिये में नशे का प्रकोप बहुत ही गंभीर विषय का रूप धारण कर रहा है। चिट्टा गोलियाँ सरेआम बिक रही है, सारा संगरिया परेशान है, इस पे अंकुश लगाया जाए तो हमें प्रशासन से यही गुजारिश है कि चिट्टे को रोकने के लिए और नशा रोकने के लिए गंभीर महामारी को बंद किया जाए और संगरिया को बचाया जाए। संगरिया कस्बे के अंदर जो चिट्टा मुक्त संगरिया करने का अभियान चलाया गया है, लोगों के द्वारा ये भी कहा गया है कि इस अभियान को हम आगे भी चलाएंगे और संगरिया के अंदर जो नशे का कारोबार नेटवर्क चल रहा है उसको तोड़ने के लिए हम उच्च अधिकारियों के पास भी जाएंगे और अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई नहीं करती है तो हम इसके लिए आंदोलन का बिगुल भी आगे आने वाले समय में बजाने वाले हैं। अब देखने वाली बात है कि नशा संगरिया से रुकता है या नहीं। कलम न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।